की मैया की सासू मैया यहाँ पे भी काला धंधा शुरू कर दिया इनकी, तो ये क्या कर रही हैं? अरे देख नहीं रही हैं आप, ये गैर कानूनी काम हमारी आंखों के सामने हो रहा है, मगर हम यहाँ ये करने के लिए नहीं आए हैं। देखिए आप अपनी आंखों के आगे ये काम होते देख सकते हैं, लेकिन हम नहीं देख सकते, हम जा रहे हैं इनको बताने। करिश्मा सिंह आप जो कुछ भी करने जा रही हैं वो प्लीज मत करिए, वरना अभी तक की हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, ये मिशन बुरी तरीके से फेल हो जाएगा। अगर किसी को भी भनक लग गई कि पुलिस यहाँ पर है तो सब कुछ खराब हो जाएगा। आप हमें अरेस्ट करना चाहती हैं, ये सब हो जाने दीजिए, उसके बाद हम खुद आएंगे आपके पास। हम अरेस्ट करने नहीं आए, हम आपका साथ देने आए हैं। देर से ही सही, लेकिन अब हमें आपके मिशन के बारे में पता चल गया है। क्या कमाल का प्लान बनाया आपने, आपके हाना से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ परमिशन नहीं आपको बताने आए कि हम सब आपका साथ देंगे। भोलेनाथ जी की कृपा है कि आप हमें यहाँ मिल गई, वरना समझ में नहीं आ रहा था कि आपको कहाँ ढूंढे। लेकिन आप लोग हमें ढूंढे क्यों रहे थे? क्यों मतलब, आपकी मदद करने के लिए। हम कितनी बार आप सबसे कहें हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। कुछ भी हो मैडम सर, हम फिर भी आपके साथ इस मिशन में रहेंगे, आपका साथ देंगे। मैडम सर वो कहते हैं ना, एक से भले दो, यहाँ तो चार भले लोग आपका साथ देने आए, और मैं तो बहुत जरूरी हूँ। वो कहते हैं ना, चोर और गिद्ध की तेज नजर होती है शिकार ढूंढने में, तो हमें तो आपके साथ रहने दीजिए प्लीज। ओके, अगर आप लोग हमारी मदद करना चाहते हैं तो जैसा हम कहते हैं वैसे करते जाइए, हम तो कर लेंगे, मगर का पुष्पा जी, करिश्मा सिंह, अब हमारी बात आप ध्यान से सुनिए। थोड़ी देर में यहाँ पर चार लोग आएंगे, वो चारों ड्रग्स की दुनिया के बहुत बड़े माफिया हैं। पूरे शहर में ड्रग्स का धंधा, काला कारोबार सब वो चलाते हैं। अगर हमने इन चारों को पकड़ लिया तो इस पूरे शहर में से ड्रग्स का सारा धंधा साफ हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। थोड़ी देर में वो चारों यहाँ पर आने वाले हैं हमसे डील करने के लिए, कोई गलती नहीं। जैसे ही वो लोग आएंगे हमारे आसपास कोई भी नहीं देखना चाहिए जब तक डील कम्प्लीट नहीं हो जाती। जब तक हम इशारा नहीं करते आप लोग कुछ नहीं करेंगे, क्लियर? अपने अपने पोजीशंस पर। ड्रग माफिया, ड्रग डील। आप जैसी करप्ट ऑफिसर की हमें हमेशा से जरूरत होती है मिस मलिक, पहले मिली होती तो हमारा काम कितना आसान हो जाता। अब हसीना मलिक हमारे साथ है, अब हमारा बिजनेस और भी फ्लाई करेगा। और देख लीजिएगा, एक दिन इस देश का बच्चा बच्चा हमारे इस नशे के जाल में गिरफ्त होगा। लाइए निकालिए हलवा। क्या बात है, आप तो सच में क्रिसमस गिफ्ट लेकर आई हैं हमारे लिए। ये क्या मजाक है, धोखा? हर मारने वाले से पहले ना बचाने वाला पैदा हो जाता है, यही दस्तूर है जिंदगी का, समझे तुम? तुम क्या बच्चा बच्चा तक ड्रग्स पहुंचाओगे, तुमको यहाँ गाड़ ना दे जमीन पे। अभी तुम चारों के साथ साथ इस शहर की सारी गंदगी साफ, तुम सबका ड्रग्स का कारोबार हमेशा हमेशा के लिए खत्म, और जब तक हम हैं इस शहर में दोबारा ऐसे किसी पौधे को पनपने नहीं देंगे। अपनी गन नीचे कीजिए करिश्मा सिंह।
अरेस्ट करो। क्या बात है, नशे के समंदर के चार बड़े मगरमच्छ एक साथ एक जगह, दुर्लभ नजारा है भाई, कोई फोटो लो। ड्रग्स कहाँ हैं? मैडम सर के पास कोई ड्रग्स नहीं है, ये तो मैडम सर का प्लान था ये ड्रग माफियों को पकड़ने के लिए। ओ, नया प्रपंच, बेवकूफ लगती हूँ कि तुम कहानी बनाओगी और मैं तुम्हारी कहानी सुनकर बहल जाऊंगी। मैडम, यही सच है, अखबार में जो खबर छप के आई थी कि हसीना मैडम के पास ड्रग्स है, ये तो उन्होंने ही छपवाई थी इन चारों को पकड़ने के लिए। इनफैक्ट मैडम सर ने तो पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके ये भी बताया था कि उनके गाड़ी में ड्रग्स रखा गया है। हेलो, पुलिस हेडक्वार्टर्स, राजापुर नाके के पास अभी एक पुलिस की गाड़ी आएगी जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ हैं। अगर आप चाहो तो जिस फोन से उन्होंने कॉल किया था वो हम आपको दिखा सकते हैं। दिखा सकते हैं ना मैडम सर? हाँ, दिखा सकते हैं, इससे प्रूफ हो जाएगा कि मैडम सर सही है। बकवास, सब बकवास। ये कोई एक्शन थ्रिलर फिल्म चल रही है यहाँ? बहुत बढ़िया मैडम, आपके आंखों के सामने सब कुछ, लेकिन फिर भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो आप एक काम कीजिए ना, अब हम सबको अरेस्ट कर लीजिए। क्योंकि क्या है कि ड्रग माफिया के चार बड़े बड़े मगरमच्छ तो पकड़े गए हैं, तो हमने हमारा काम कर दिया है, देश साफ हो गया है, इसलिए अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप हम सबको अरेस्ट कर लेंगी तो, क्योंकि हम जानते हैं कि कानून भी अपना काम ना अच्छे से करेगा। लाइए, अरेस्ट कीजिए, कीजिए। एक मिनट, करिश्मा सिंह झूठ बोल रही है। ये सब यहाँ आए जरूर है लेकिन हमारे साथ नहीं है, हमने इनको शुरुआत से अपने हर मोमेंट से एब्सोल्युटली दूर रखा है, इनका इस सब से कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल बेगुनाह है, इसलिए प्लीज आप इन्हें जाने दीजिए और हमें गिरफ्तार कर लीजिए। नहीं मैडम सर, हर वक्त आपका नहीं चलेगा, हम सब एक टीम है, एक परिवार है, सब सांझा है, तो सजा भी साथ भुगतेंगे। करिश्मा सिंह, आप कुछ नहीं करेंगी एंड दैट्स नॉट ओके। देखिए, इस वक्त ना आप ऑर्डर देने की स्थिति में नहीं है क्योंकि आप वर्दी में नहीं है, इसलिए हम आपका ये ऑर्डर खारिज करते हैं और ये सजा हम सब साथ भुगतेंगे। कीजिए आप अरेस्ट, हमें कीजिए ना। मैडम सर, हमें माफ कर दीजिए, देखिए हम भी गुनहगार हैं, हमें अरेस्ट कीजिए। मैडम, मुझे भी अरेस्ट कीजिए। मैडम, मुझे भी गिरफ्तार कर लीजिए, मैं अकेले बिजनेस में क्या करूंगा। चुप, एकदम चुप। बेवकूफ हो क्या सबके सब? हाँ शायद हो, तभी तो सबके सब एक साथ जेल जाने के लिए मरे जा रहे हो। पत्रा जी ने हमें आपके प्लान के बारे में बता दिया था, पर हम आपके मुंह से सुनना चाहते थे। भाई क्या थाना है, सबके सब दीवाने, लेकिन ऐसे दीवानों को अरेस्ट नहीं किया जाता बल्कि कानून के लिए उनके जज्बे को सल्यूट किया जाता है। हसीना मलिक, कैसे कोई इतना बड़ा बलिदान दे सकता है अपने फर्ज के लिए? मैम, जब दिल में देश के लिए सच्ची मोहब्बत होती है तो ये बलिदान नहीं लगता, अपने आप हो जाता है। आज की तारीख में नशे की बुराई हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन। जब भी कोई यंगस्टर ड्रग से दोस्ती करता है तो वो अपने देश से दुश्मनी करता है, और हमारा काम है ऐसा होने से रोकना। हम खड़े हैं आपके और ड्रग्स की इस घटिया दुनिया के बीच एक ठोस और ताकतवर दीवार बनके, आप सबको महफूज रखने के लिए, और ये करने के लिए चाहिए हमें आपका साथ, आप सबका साथ। आप लोग अगली जनरेशन है, यू गाइज आर द फ्यूचर। अब ये आपको तय करना है कि आप अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं और आने वाली नस्ल को कैसी दुनिया देना चाहते हैं, एक नशे में डूबी हुई बर्बाद दुनिया या फिर एक खुशहाल हेल्दी दुनिया।